मजबूत किसान के बेटे 29 तारीख को इस पांचवी हुंकार के साक्षी बनेंगे और जयपुर की धरती पे कूच करेंगे। जो चुनारी नागौर की धरती से उठी थी जयपुर में ज्वालामुखी बनी गई और लावा ये अपना है लावा 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 तो पढ़ते हो लावा लावा तो लावा काम के अंदर तो जोश आप दिल्ली पहुंच रहे हैं नंदन का जबरदस्ती बड़ी बड़ी लेकिन अंदर जाते थे तो आज ही दूर चला आज ही दूर फिर मेरी गाड़ी बैठ गई कोई देख ही नहीं रहा था लेकिन वो अचानक टाइम आता कभी दिन में दोबारे कार्यक्रम लोग मैं धन्यवाद दूंगा टॉप के जवानों का किसान के बेटों का सोशल मीडिया के माध्यम से भी पिछले कई वर्षों से लगातार आप मेरी ओर से अफजाई कर रहे हैं हर संघर्ष के अंदर आप मेरा साथ दे रहे हैं और मुझे हिम्मत और हौसला बता रहे हैं। मैं इतना ही भरोसा आपको दिलाता हूँ मैं पीठ दिखा के नहीं भागूंगा जहाँ भी मेरी आपकी दफरेगी खड़ा मिलेगा। हनुमान मानी वालों नेताओं में से नहीं है कि खुद का काम निकाल ले और उसके बाद मोबाइल का नंबर बदल ले और 15 साल बाद के बाद अपना दिखाई जाए ऐसे नेता है रहे जो पैदा कहीं है और लड़ने के लिए कहीं आ जाते हैं। बिल्कुल मालपुरा विधानसभा है मालपुरा का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग बाहर से आकर चले जाते हैं आपको कुछ नहीं आता इसमें तो जयपुर में पता क्या कहते हैं सर उनको बैठ के उनको कहते हैं भाई टिकट टिकट आप कहाँ से लोग हर कोई जो है पैसे कमाए अपने समाज में चाहे कोई भू माफिया हो कोई पर्यटन माफिया हो जिनका ही धंधा है एक ही बात कहते हैं अरे मालपुरा चोर हमें कहीं से मिलने गया तो मतलब कितनी मजाक इस मालपुरा के लोग तो कम से कम इस मजाक उड़ाने को बंद कर दो। हो सकता है आपके वर्तमान एमएलए से मुझे तो नहीं पता कौन किससे राजी है नाराज है अगर नाराज भी हो जाओ तो कोई दूसरा किसान का बेटा यही का लोकल तैयार है जो जीत के जाए और अपनी बात ज्यादा ठोक प्यार का है रखे लोग गड़बड़ मामला नहीं वैसे बीजेपी के तो खिलाफ माहौल है राजस्थान का मैं कन्हैया लाल जी को कहूंगा पहले साहब को मैं मिलते रहते हैं बीजेपी का तो राजस्थान में सुपड़ा साफ हो गया कोई बोल नहीं डालेगा बीजेपी और ये बच्चों की बहुत जो निकलेगी ना 29 तारीख को तो बचा खुचा भाजपा का वोट भी इधर उधर हो जाएगा। जब कांग्रेस का पसीना आ गया जो कांग्रेस 10 तारीख को सूची जारी करने वाली थी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था पायलट कि मुख्यमंत्री बन गए मैं बांट दिए ऐसी हुंकार भरी राजस्थान के किसान का बेटों ने कि कांग्रेस की सूची अटक गई और अटैची में बंद कर दी कहीं टिकट लेके आ जाए फाड़ के नहीं फेंकते किसान के बेटे ये स्थिति राजस्थान की कि मैंने जो लड़ाई आपके मान सम्मान की लड़ी थी आज उसका परिणाम मुझे नजर आ रहा है। रात को 9-10 बजे भी आप यहाँ किसी नेता का इंतजार नहीं करते मैं करौली इंडियन समय माधोपुर के अंदर था वजीरपुर में रात को तब लोग कह रहे थे कि यहाँ आधे घंटे मैंने कहा लोग मेरा वेट इसलिए कर रहे कि मैं उनका वेट करता हूँ मैंने तो मेरा जीवन आपके लिए समर्पित कर दिया मैं भी चाहता तो गलो दो सुंदरा की सैंडल उठा के 15 साल पहले कैबिनेट का मंत्री बन जाता फिर पड़ा बदलता फिर मंत्री फिर पड़ा बदल के फिर मंत्री जैसे अपने नेता ऐसा धंधा करते कभी निर्दलीय आते हैं कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं कभी भाजपा वसुंधरा को अपने माँ बता देते हैं कभी गहलोत को अपना बाप बता देते हैं। तो ऐसे लोग मेरे भाई जो है हनुमान मानीवाल स्वाभिमानी बनती है मैंने कहा मैं लड़ूंगा मेरे भाइयों के लिए चाहे सफलता मिले या नहीं मिले लेकिन इतना तय है मैं संतरी बन के जब तक सेवा करूंगा तब तक किसान का बेटा मुख्यमंत्री राजस्थान का अंदर नहीं बन जाता। एक चीज को याद रखो जो आपको धोखा देके भाग जाता है ना उसे दोबारा मौका मिलता है जीवन निकल ऐसे रुपये जीवन निकल जाएगा फिर दोबारा पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। धोखेबाज को वापिस उसका इलाज है यह जब सोयला प्रसन्न करने गोली कांड हुआ था तो मैं विधायक नहीं था मैं गुजरों पर गोलियां चली रावला घर सोयला के अंदर गोली चली
16 कर्षण का गोलीकांड के बाद दो विधायक अपने इधर से बना के भेज दे। कितने भेजे? 8 से 13 विधायक थे और 13 से 18 270 भेज दे। आप ये बताओ, दोनों विधायक सत्ता के नजदीक थे, अपने अपने काम के हिसाब से। अभी भाजपा के साथ पहले जो भी था वो भी इधर उधर एडजस्टमेंट करता ही करता था, घूमता था। तो टोल्टी बांध में पड़ी आ गया क्या? और जो किसान के 5 बेटे गोलियों का शिकार हुए थे उन पुलिस वालों को जेल में डाल दिया क्या? तो फिर कौन पकड़ा बेटा? आपको तेजा जी अवतार नहीं लेंगे? निक्की कल्याण और तेजा जी के जयकारे के साथ राजस्थान के किसान के बेटों निकल पड़ो, और जिन्होंने भी आपको तकलीफ दी उन्हें नेस्त नाबूद कर दो, और धोखेबाजों को मालपुरा की धरती से उखाड़ कर सार समंदर पार फेंक दो। मेरे को जो रेंज में आ गया ना उसको तो मैं फेंक दूंगा, फेंक दे। तो रेंज में अगर आप मुझे मान लोगे और 29 को नई पार्टी का ऐलान करेंगे, और जिन आप जिसको बढ़िया छांट के कहोगे ना कि हनुमान जी आप इसके साथ रहो, उसी हिसाब से मैं एडजस्टमेंट कर लूंगा। मैं चाहता हूँ कि माफिया बदमाश और धोखेबाज आ रहे और मालपुरा हमारे जो ये इलाके विकास में पीछे है, या हमारे भाई भाइयों को मजबूती कैसे मिले, मेवाड़ में हमारे भाइयों को मजबूती कैसे मिले, अजमेर फिलवाड़ा में हमारा भाई कैसे मजबूत हो, अलवर में इंदौर में कैसे मजबूत हो। आप तो मुझे छांट के दे देना। अर्जुन को जिस तरह मछली की आंख दिखाई दे रही थी, अगर आपको अपनी नई पार्टी का चिन्ह अगर दिखाई देगा तो निश्चित रूप से सारा बदला भी हो जाएगा और इलाज भी कर देंगे। और सीएम मेरे भाइयों को जरूरी नहीं है कि 100 सीट आना ही जरूरी है, अगर अच्छी तो 30-40 सीट में आ गई ना तो जो भी सरकार बनेगी हम उससे रगड़ पिटी करेंगे सरकार से। गहलोत और वसुंधरा के काबू नहीं आया, दोनों अकेले ही होंगे। पहले भी अकेले था, अगली बार भी अकेला। अगली बार तो खोल रहे थे, वसुंधरा गोद में बैठ गई थी, तभी हनुमान मेरे बार राजस्थान के कौन के किसान जवानों को स्वाभिमान की लड़ी लड़ता, उन दुर्दांत अपराधी जो किसान के बेटों को गोलियां बरसा रहे थे उनके खिलाफ भी अगर किसी लड़ाई लड़ी कि उत्तर के विधायक लड़ी और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया उन हाट हाट अपराधी। तो भाइयों मैं आपसे लड़ूंगा किसानों के संपूर्ण कर्जा माफी, टोल मुक्त राजस्थान, मुफ्त बिजली, 4 लाख युवाओं को रोजगार, बेरोजगारी भत्ता, खेत खेत सिंचाई का पानी जाए, इस बात को लेकर हनुमान बनिवार आपकी लड़ाई लड़ेगा। और ये मेरी लड़ाई क्या कहना होगा, स्टेट हाईवे टोल मुक्त हुए, मुख्य बिजली 5 लाख की घोषणा की और 1 लाख किसानों को इस बजट सत्र के अंदर सरकार से 1 लाख वैकेंसी भी निकलवाई और स्वामीनाथन आयोग की आंशिक रिपोर्ट लागू। अब वो समय आ गया कि हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जिस तरह का जोश मैं राजस्थान के जवानों के अंदर देख रहा हूँ, 36 कौम के किसान के बेटों के अंदर देख रहा हूँ, इसे देख के लग रहा है कि नया व्हीकल राजस्थान आवश्यक है और नया विकल्प मिलेगा तो हम बसपा भारत आएंगे और 5-7 जो भी पार्टियां राजस्थान के प्रभाव रखती है उन सबको भी मैंने कहा आमंत्रित हो, अपन गठबंधन करके नया मोर्चा राजस्थान के अंदर बनाएंगे और 200 सीटों पे भाजपा और कांग्रेस को घर बिठा देंगे। मोर्चा तीसरा मोर्चा मैं प्रयास कर गठबंधन का प्रयास कर, लेकिन पार्टी अपनी तो खुद की 29 तारीख को नई पार्टी बनेगी जयपुर की धरती पे और बाकी लोगों से गठबंधन करके हम बात करके राजस्थान। हम चाहते हैं कि अगली बार वोट हमारा बटे नहीं, कांग्रेस को फायदा नहीं मिले, और बीजेपी तो देखो गई राजस्थान से, लेकिन कांग्रेस को भी अपने को ठीक करना है। ऐसा नहीं हो बीजेपी को भेजने की जगह कांग्रेस आ जाए। और भाई ये सचिन पायलट अगर आ गया ना मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैंने जब गहलोत और वसुंधरा को डरा लिया इसको भी डरा लूंगा, मैं विधानसभा का मेरी तीन तो पकड़ी है, लेकिन आप तकलीफ पाओगे इस बात को सोच होना अच्छे तरीके से। ये तो यूपी का रहने वाला है और जवाई जम्मू कश्मीर का है, आप जिसका क्या लड़ना राजस्थान, ये तो पार्टियां करेगा पता नहीं कहाँ कहाँ यात्राएं करेगा। तो भाइयों हमें मिशन 18 पूरा करना है, अभी तो 29 तारीख को उस दिन सर पर कफन बांध के बाइक की रैली को मजबूत करने के लिए जयपुर की ओर पहुंच करना है। सारा डिग्गी मालपुरा का हाईवे स्टेट हाईवे भरा हुआ आना चाहिए भरा हुआ, अपनी अपनी गाड़ियों से जवान जयकारे करते हुए तेजा जी के डिग्गी के जाड़ के इतनी तादाद में आओ कि वसुंधरा
और गेलो तो पायलट को टिकट देने की जो सोचे वो गड़बड़ हो जाए, थोड़ी उनका दिमाग खराब हो जाए। इतनी तादाद के अंदर आपको आना है, दिल्ली को डर लगे क्योंकि सेमीफाइनल है, फाइनल बाकी है। तो मोदी बाबा भी डरते बहुत है, वोटों से सब डरती है दुनिया, जानते हो ना, जो बिना वोट के कोई पूछता नहीं कहीं लोग उठते हैं। तो मैं विश्वास रहता हूँ 29 को आपने बड़ा धमाका कर दिया, तो बड़ी बात है कि राजस्थान के लिए बड़ी घोषणा भी हो सकती है। हम लड़ेंगे राजस्थान, दिल्ली कूट के आवश्यकता पड़ी दिल्ली में जाएंगे, लेकिन अब आपको इस तरह धोखा नहीं मिलेगा राजस्थान से, इतना भरोसा मैं आपको दिलाता हूँ। जवानों को इस बात का भी धन्यवाद दूंगा कि पिछले 10 साल के अंदर आपने हमेशा सहयोग आशीर्वाद किया, चाहे नागौर की उतार हो, बीकानेर बाड़मेर की उतार, चाहे सीकर की टोंक जिले से किसान के बेटे हर उकार रैली के अंदर गए, और अब जयपुर की रैली को कामयाब करना है और किसानों का झंडा राजस्थान की विधानसभा और सचिवालय पर लहराना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।